लेकिन नहीं वो सर, गारंटी के साथ 22,000 रुपये सैलरी गारंटी के साथ 22,000 जी। 12 घंटे। हेलो रिवाना, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूं। मैं आपको बताता हूं नोएडा, दिल्ली, NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद में जॉब कैसे मिलता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। अब तक मेरी जो वीडियो आई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट की आई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे एक कंपनी है और नई कंपनी ये बनकर तैयार हो रही है और इसमें हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें जो ओप्पो कंपनी है, ओप्पो कंपनी के बिल्कुल ठीक सामने है ग्रेटर नोएडा कासना का ये लोकेशन होने वाला है। पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि हमारे साथ दो एज ए कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हैं, HR कह सकते हैं, सोशल वर्कर कह सकते हैं, कि इन भाइयों के थ्रू काफ़ी लोगों को आज रोजगार मिला भी है। कुछ बंदे आए भी हैं, उनको रूम भी दिलाया गया। रूम भी दिलाया गया ना सर? जी सर, रूम दिलाया गया उनको। हाँ, अभी यहाँ पे सामने कौन सी गाँव है सामने? सर, खानपुर गाँव है। अच्छा, खानपुर गाँव है। खानपुर में इनको रूम भी दिलाया गया। कुछ हमारे भाई आए 7 से 8, वो हमारी वीडियो देख कर ही आए थे। जी, आपकी वीडियो देख कर आए थे वो। हाँ, तो वो भाई अभी रूम पे है, अभी मैं जाऊँगा उनसे भी लाइव रिपोर्टिंग करूँगा। और जैसा कि कंपनी के हम बिल्कुल ठीक सामने नहीं, एक मैन्युफैक्चर कंपनी है और जो कि AC और फ्रिज वगैरह बनाती है ना जी। तो आज की इस वीडियो को स्किप मत करना मेरे भाई, अगर स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारी जो मेहनत है तो वेस्ट हो जाती है अगर आप स्किप करते हो। धूप पे थे, धूप कड़ी, धूप में मेहनत कर रहे हैं आप सभी भाइयों के लिए। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक नहीं देखोगे, क्या ही मतलब निकलेगा मेरा वीडियो बनाने का। क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ ये होता है कि जो मैं वीडियो बनाऊँ उसका आपको रिस्पॉन्स मिले। जब नौकरी मिलेगा तब रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो इन भाइयों से बातचीत कर लेते हैं। स्वागत करता हूँ सर आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ। दीपक भाटी। दीपक भाटी, कहाँ के रहने वाले हो? सर, यही ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा जी। तो अगर हम बात करें अभी किस कंपनी के सामने हैं सर? हम फिलहाल में डिक्सन इलेक्ट्रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सामने खड़े हुए हैं। क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सर? ये फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग करती है। फ्रिज मैन्युफैक्चरिंग जी। किस किस क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को आप इसमें हायर कर रहे हो सर? सर, यहाँ पे हाई स्कूल और इंटर के क्वालिफिकेशन वाले बंदे चाहिए। हाई स्कूल, इंटर जी, और ITI डिप्लोमा वालों को? नहीं सर, अभी ITI डिप्लोमा की हायरिंग अभी फिलहाल बंद है। हाई स्कूल इंटर की ओनली ले रहे हो जी? क्या सैलरी क्या हो जाती है सर इनकी? सर, यहाँ पे इनकी हाई स्कूल इंटर की 8 घंटे की सैलरी जो है 10,648 रुपये है। अच्छा अच्छा जी। 300-400 रुपये बढ़े हैं ना? हाँ। और ओवर टाइम वगैरह? ओवर टाइम इनको 88 रुपये घंटे मिलेगा। 88 रुपये घंटे मिलेगा जी। अटेंडेंस अबाउट कितना? अटेंडेंस अबाउट 2,000 रुपये है। 2,000 रुपये जी। ये भी SI करता है सर इसमें? नहीं, इन हैंड सैलरी मिलेगी। ये सब इन हैंड सैलरी जी? इन हैंड सैलरी है। 1,500 रुपये नाइट अलाउंस भी है। अच्छा, 1,500 रुपये नाइट अलाउंस। कहने का मतलब ये 10,648 रुपये जो सैलरी है 8 घंटे की, प्लस 88 रुपये ओवर टाइम है। ओवर टाइम चलता भी है कि नॉर्मली? बिल्कुल रेगुलर 3.5 घंटे ओवर टाइम मिलता है। अच्छा, तो उस हिसाब से 8 × 24 250 से 350 रुपये पर डे का हो गया। बिल्कुल सर। 3 × 3 = 9, 9 × 18 = 18, 17 से 18 हज़ार हो जाएंगे। लेकिन नहीं सर, गारंटी के साथ 22,000 रुपये सैलरी। गारंटी के साथ 22,000 जी? 12 घंटे संडे भी चलता है। 12 घंटे के? 12 घंटे के 22,000 रुपये हम दे रहे हैं। मतलब अब पहले पहले दे रहे थे 8 घंटे के हम 10-10.5 हज़ार रुपये, लेकिन अब ऐसा है जब काम ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या सोच रहे हैं कि 12 घंटे के 22,000 रुपये हम हर बंदे को दें। हाँ, तो अभी क्या, अभी 12 घंटे का आपने फिक्स कर लिया है कि 8 घंटे का रेशियो लेके चल रहा है? 12 घंटे का फिक्स है। क्या करो, अब हम प्रोडक्शन के हिसाब से टाइमिंग बढ़ा रहे हैं और सैलरी इंक्रीज करके दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा, अगर हम बात करें सर दीपक जी, अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है सर? अंदर का बढ़िया काम है, इन्वॉल्वमेंट AC कंपनी है पूरी, गर्मी वर्मी कुछ भी। फुल AC है? फुल AC कंपनी है। गर्मी लगने का चांस ही नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है, बढ़िया कंपनी है, एकदम AC है, फुल AC है, और खाना पीना सब मस्त है एकदम। ब्रेक भी मिलता है बीच में चाय पानी के लिए, सब चीज की सुविधा बढ़िया है। अगर हम बात करें कैंटीन, कितना पैसा चार्ज करते हैं? कैंटीन का कुल 16 रुपये चार्जेस है। 16 रुपये बस जी। फैसिलिटी है यहाँ पे? बस देखो, अभी नया प्लांट है, बस का मतलब अभी बातचीत चल रही है, जैसे कोई नया वेंडर आ जाएगा तो लगता है हफ्ते दो हफ्ते के अंदर बस स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, काम कैसे होता है, स्टैंडिंग का है, सिटिंग का? नहीं सर, काम तो स्टैंडिंग वर्क है, लाइन पे काम होता है, फ्रिज में का काम है, वर्कर का बिल्कुल नॉर्मल काम है। कोई बंदा टेपिंग लगा रहा है, कोई हैंडल लगा रहा है, कोई शीशा लगा रहा है। 100 ग्राम भी वजन नहीं उठाना पड़ रहा है बंदे को। अच्छा, बहुत नॉर्मल काम, मजे का काम है। तो एक जगह ऐसे खड़े खड़े काम करना पड़ता है, घूमते टहलते? नहीं सर, उसमें ऐसा भी है, खड़े होकर भी है, कुछ जगह पे लाइन, कुछ जगह लाइन चलती है तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा चलना भी पड़ता है, कुछ जगह ट्रॉलीज भी है, सामान को इधर से उधर ले जाना भी पड़ता है। हाँ, इस तरह सब तरीके का वर्क है। अच्छा सर, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है सर? सर, ज्वाइनिंग का प्रोसेस ये है कि बंदा हमारे पास मॉर्निंग में आएगा सुबह 8 बजे, कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट जमा करेगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद 7 के 7 ज्वाइनिंग मिलेगी उसको। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, इंटरव्यू नॉर्मली क्या होता है सर? क्या नॉर्मली में सर यही पूछेंगे, कहीं काम किया है नहीं किया, एड्रेस कहाँ का है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, बस इतना कुछ पूछते हैं। अच्छा अच्छा जी। क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या लेके आएंगे? डॉक्यूमेंट में बंदे के आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए,
टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट होना चाहिए और बैंक अकाउंट, ये बैंक की पासबुक की डिटेल। मतलब कहने का मतलब ये है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, पासपोर्ट साइज का फोटो, जो आपने पढ़ाई किया वो मार्कशीट लेके आना, आपको जॉब मिलेगा ना जी। सर सर इसका कोई पैसा, कोई चार्ज तो नहीं? कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बताओ सर कोई चार्ज तो नहीं ले रहे? नहीं जी, कोई चार्ज नहीं है हमारे यहाँ। क्योंकि आज के डेट में जॉब के नाम पे कितनों से पैसे ली जा रही है आपको भी पता है और आपको भी पता है, बताने की जरूरत है नहीं, है ना सर? जी बिल्कुल, बताने की जरूरत तो है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, बस एक बात बताओ, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रेक्टर हमारे भाई हैं जो कि देखो यार नंबर तो दे देते, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट क्या है फोन पिक नहीं कर रहे जी जी, इससे हमारे चैनल की रीच डाउन होती है, हमारा नाम खराब होता है। तो ऐसा मत करना सर, अगर हमें नंबर देंगे, क्योंकि देखो अगर आपको मेन पावर की जरूरत है हम आपको प्रोवाइड कर, अगर हम आपसे कोई पैसा ले रहे तो आप बताओ। नहीं सर कोई पैसा नहीं रहे, एक्चुअली ऐसा होता है जैसे हम वर्क कर रहे होते हैं अपना अंदर प्लांट में होते हैं, मीटिंग में होते हैं, हम कॉल नहीं उठा पाते, तो बंदा क्या है अपना हमको मैसेज करे, व्हाट्सएप पे मैसेज करे, अपना रिज्यूम सेंड करे हमको। टोटल वैकेंसियां कितनी है सर? टोटल वैकेंसी हैं 250 जी। कब तक चलेगी सर हायरिंग? फिलहाल देखो हायरिंग 4 से 5 दिन होने वाली है, 250 मिनट पर पूरी होने के बाद फिर हायरिंग बंद हो जाएगी। अच्छा जी। कैसा है अंदर का? खाना बिल्कुल बढ़िया, जेनुअन खाना है सर। जेनुअन? हाँ, डिक्सन के जितना भी नोएडा के अंदर प्लांट है सभी में एक ही कैंटीन का खाना है, एकदम बेहतरीन जेनुअन खाना है। एज क्राइटेरिया कितना होने वाला? जैसे सर 30 तक, 30 साल होना चाहिए लास्ट। लोकल भी ले लो तो सारे बाहर के? नहीं सर, बस गौतम बुद्ध नगर का ना हो, गौतम बुद्ध नगर का ना हो, बाहर के बंदे रहेंगे तो आप ले लो। बिल्कुल है ना बिल्कुल। तो आप भी यहीं फैक्ट्री पे मिलोगे? हाँ जी हाँ, यहीं मिलेंगे हमें, गेट पे खड़े हुए मिलेंगे। अच्छा, नहीं तो ऑफिस में अंदर मिलेंगे। अच्छा, तो इन भैया का नंबर और दीपा भाई का जो नंबर है ना मैं वीडियो के स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप आओगे तो ये आपको यहीं गेट पे मिलेंगे, या तो इस मेन गेट पे मिलेंगे या तो फिर इस वाले गेट पे मिलेंगे, तो अंदर मिलेंगे। मतलब ये है कि आप इनको कॉल कर लेना, है ना सर? देखिए सर एक बात और बोलता हूँ मैं, जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ जॉब के लिए आएगा उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगना होना कंपलसरी है, लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से फोन जी। अच्छा यार आधार कार्ड से फोन अगर वो लिंक ना हो तो तुरंत लिंक करवा सकते हैं? नहीं उसके लिए प्रोसेस है, टाइम लगेगा थोड़ा, फिर भर्ती नहीं हो पाएगी, मतलब फिर कुछ डिले हो जाएगी 15-20 दिन के। अगर उसमें यह है कि अगर मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो हम 2-3 दिन का टाइम दे देंगे उनको, वे अपना मोबाइल नंबर लगवा सकते हैं। हाँ अब तो साइबर कैफे में आप आराम से जाके लगवा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग होने के बाद 1-2 दिन के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट करा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चलो यार भाई साहब से बातचीत करें बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि इस समय हम कंपनी के बिल्कुल ठीक सामने, कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, बन भी रहा है ना, बन रहा है, काम भी स्टार्ट हो चुका है जी, एक प्लांट बन के तैयार हो चुका है, दूसरा प्लांट बन रहा है जी। भाई साहब बस हमारी यही पहले, जो हमारे भाई बेरोजगार है उनको जॉब दिलाना, फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाना। भाई साहब ना मैं सुपरवाइजर हूँ, ना मैं एचआर हूँ, ना मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ना मैं ठेकेदार हूँ, बस मैं एक सोशल वर्कर हूँ जो कि आप सभी के लिए काम करता हूँ, बस हमारी यही पहल है। तो जितने भी हमारे भाई बेरोजगार हैं यार दीपक जी, उनको रोजगार मिल रही है। बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो भी बंदा रेफरेंस से आएगा वो निराश होकर नहीं जाएगा। क्या कह रहे हो सर? कोई भी बंदा आएगा हमारे यहाँ से लौट के नहीं जाएगा, निराश होकर नहीं जाएगा, हम कुछ ना कुछ उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे ही देंगे। अभी आज जो बंदे हैं 7 से 8 बंदे, इसको जो आपने रोका उसे बातचीत हमारी हो पाएगी? हाँ बात करा देंगे, वो यही गाँव खानपुर है, 500 मीटर का ये रास्ता है, गाँव कंपनी के जस्ट सामने खानपुर गांव है, 500 मीटर का ये रास्ता है, पैदल आप 10 मिनट में आ जा सकते हो और आप काम यहाँ कर सकते हो। ठीक सामने वाला, आने जाने का कन्वीनियंस बचेगा। हाँ जी बिल्कुल, ट्रैवलिंग का कोई वो ही नहीं है, मतलब एक्सपेंसिव खर्चा कोई नहीं है, आने जाने का भी टाइम बचेगा, पैसे की भी बचत होगी। तो जैसा कि अभी हम दिखा दें कंपनी के सामने ही है और बंदों से बातचीत करें जो इनके थ्रू ज्वाइनिंग लेंगे हमारे वीडियो देखकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आई, वीडियो पसंद आए एक लाइक के, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई सरार को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नए नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।